व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सुपर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए और अब बढ़ते हैं ड्रामे की जानिब। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगीन का पीछा दौरानी, सुल्तान दौरानी नहीं छोड़ा और आए दिन वो उसे तंग कर रहा है, लेकिन वो तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है, उसे यकीन दिलाना चाहता है कि वो वाकई में उसे मोहब्बत करता है। लेकिन नगीन, जिसकी दोस्त के चेहरे पर किसी लड़के ने तेजाब फेंक दिया, वो किस तरह से इतने बड़े अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद पर ट्रस्ट करे? क्योंकि नगीन को तो यही लगता है कि सुल्तान दुरानी पैसों से लोगों को खरीदना जानता है और पैसे वाले लोग गलत होते हैं, वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उसके माइंड में तो कैसा इमेज बना हुआ है। और यही वजह है कि नगीन सुल्तान दौरानी की बातों में नहीं आ रही। वो सोचती है, कहती है कि वाकई में ये गलत है और मैं क्यों करूं ऐसा, और नगीन उसकी बात नहीं मान रही। वो ये कहती है कि वो उसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन सुल्तान दौरानी आखिरकार गुस्से में आ जाता है, जिस पर वो नगीन का बाजू पकड़ता है। नगीन अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है, और उसके बाद ये वीडियो कोई बना लेता है और ये वीडियो इस तरह से लीक होती है, इस तरह से लीक होती है कि सुल्तान दुरानी की रेपुटेशन ख़राब होने लगती है। और फिर वही मोहब्बत जो सुल्तान दुरानी नगीन से करता था, वो नफ़रत में बदलने लगती है। अब इस तरह से आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुल्तान दुरानी अपने थप्पड़ का बदला लेगा नगीन से या नहीं, या उसे माफ़ कर देगा? वो करने क्या वाला है? अब ये मैं आपको बताऊंगी। सुल्तान दुरानी नगीन से किसी भी तरह शादी कर लेगा, शायद नगीन के बहनोई को, उसकी बहन के मिये को पैसे देकर वो नगीन को खरीद भी सकता है। पैसे देकर, वो तो वैसे ही लालची इंसान है, पैसे लेकर नगीन की शादी से कर देगा। उसके बाद नगीन से लेगा वो बदला। आप लोगों ने प्रोमो में भी देखा होगा, आप लोगों ने ओएसटी में भी देखा होगा कि नगीन को वो एक धक्का मारता है, जिस पर नगीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और ये सब कुछ शादी के बाद होता है। और इससे ये बात साबित हुई कि सुल्तान दुरानी नगीन से शादी करेगा और उसके बाद इस थप्पड़ का बदला उसे लेकर रहेगा। खैर, वो तो थप्पड़ का बदला ले लेगा, लेकिन अब आप लोगों को करना होगा एक छोटा सा काम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर लीजिए और सुपर एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।